और फास्ट खबरों के लिए एक बार फिर स्टार फड्डा में आपके साथ खड़ी हूँ और आप देखते रहिए स्टार फड्डा। अलग अलग आर्टिस्ट हैं, अलग अलग उनके तरीके हैं काम करने के, पर सब एक साथ आए हैं और सब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं साथ में और बहुत अच्छे से सब ने साथ में मिलके ये एग्जीबिशन लगाया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि सबका काम, इतना अलग अलग काम सब एक साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्कल्प्टर्स मतलब उसमें इंक्लूडेड हैं सब अलग अलग, कोई नासिक से हैं, ऑल ओवर इंडिया, नासिक से, पुणे से, बॉम्बे से हैं बहुत सारे आर्टिस्ट, भोपाल से हैं, तो पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि एक सिमरोजा गैलरी का भी अपना एक नाम है, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, तो इसलिए वो लोग मतलब खुश थे कि सिमरोजा में एग्जीबिशन हो रहा है, सो दे वेरी हैप्पी अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो। तो इसलिए एग्जिबिट करने के लिए यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैंने एक शो ऑर्गेनाइज़ करा और आर्टिस्ट भी बहुत खुश थे वेन्यू से, जगह से, लोगों से, तो हमने यहाँ पे एग्जिबिट किया है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टैलेंट मुझे दिख रहा है आज यहाँ पे, अलग अलग लोग, अलग अलग किस्म का काम, ऑयल वर्क्स, वाटर कलर, एक्रिलिक, सेरेमिक्स और मतलब स्कल्पचर्स में एक इंसान के चार स्कल्पचर्स हैं लेकिन वो चार अलग मटीरियल में बनाए हुए हैं, मतलब ब्रॉन्ज में, फाइबर ग्लास में, अलग अलग, ये देखिए नट्स एंड बोल्ट्स में है और मेटल में है, ब्रॉन्ज में है, इतनी वैरायटी, पॉट्स देखिए, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी इतने छोटे से एग्जिबिशन में आपको कम ही देखने को मिलती है, तो ये मुझे बहुत बड़ी क्वालिटी लग रही है इस एग्जिबिशन में। माहौल ये आप जैसा काम करते हैं उससे आपको रिफ्लेक्ट करता है और लोग आप पे विश्वास करके फिर आपके साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी शोज़ किए हुए हैं तो उसी बेसिस पे, उसी विश्वास के साथ कि मैं उनको भी सही दिशा दिखाऊंगी और उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन दूंगी और वो भी मुझे गाइड करते हैं कि भाई मैडम आप ये वाले, वो खुद मतलब मुझे हेल्प करते हैं आर्टिस्ट, अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो वो मुझे रेकमेंड करता है कि अपरिमिता मैम मैं आपको एक और आर्टिस्ट बताता हूँ जो बहुत अच्छा है। तो इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ कि भाई हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी, हम लोग पहले शोज़ में काम कर चुके हैं तो अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे आर्टिस्ट बताते हैं, तो ऐसे चेंज चलती है, ये वर्ड ऑफ माउथ ही है। ज़्यादा एग्जिबिट करिए, बिकना ना बिकना एक अलग बात है लेकिन प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है आपके काम के, आपके काम का एक्सपोजर होना चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आपने चार तरह के काम लगाए चार एग्जीबिशंस में तो एक ना एक तो क्लिक होएगा ही अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए कि आपने एक काम लगा दिया तो यू गेट डिसअपॉइंटेड कि बस अब मैं और नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो आपको कोई गाइडेंस भी देता है तो उसे सही दिशा में समझिए और आगे बढ़िए, ये है एडवाइस। लोगों को इस बात के बारे में इन्फॉर्म करिए, मोस्टली ऑनलाइन, आजकल प्रेस कवरेज तो है ही लेकिन अब आर्ट ऐसा मीडियम है कि आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उस तरीके से आप इसको प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू आप उन्हें कॉन्टैक्ट करिए, आप उन्हें बुलाइए, क्योंकि ये तो बड़ा नीश मार्केट है तो आपको थोड़ा उसी तरीके से जाना पड़ता है इसमें। ये 25th इज द लास्ट डे ऑफ द एग्जीबिशन। I'm very happy to support emerging and progressive Indian artists. They are doing a great work. They're showing this great work here. And I can only recommend to everybody, come, see it and enjoy it here. It's a great stuff. These emerging artists over here, that has been our aim at Simroza. We have always been a platform for artists that have needed a platform to exhibit themselves. As she said, whether it sells or not is not important. What is important is that people get to see the work, get to know of the artist, because that is how the artist will progress. As an artist himself, he will get better day by day by day, because he'll interact with others, he'll interact with other artists, with buyers, with gallery owners.